Auntie Firm and Family. Ricky. मैन, कल तुमने कितनी बहादुरी दिखाई थी। वेल, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो। ऊपर मैन, तुम्हें तो जरा भी घमंड नहीं है। मैन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कुकीज लाई। और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद केक लाई। चलो, अब इतना कह ही रही हो तो ठीक है, खा लेता हूँ। मुझे तो उससे नफरत है। शायद तुम हमारे स्कूल में नए आए हो, है ना? हाँ, मेरा नाम गैलियो है। कितना अजीब नाम है। इसमें अजीब क्या है? तुम लोगों की बात सुनकर पता चला कि फरमान को तुम भी पसंद नहीं करते। हाँ, वो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम भी मेरे जैसे हो, लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा तुम लोगों का टेस्ट काफी अच्छा है। हाँ। और मुझे जो समझ नहीं आता कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। हाँ, मैं तो इसका मांस चढ़ा हुआ चेहरा तक नहीं देख सकता। जरूर ये कोई बड़ी उम्र का बोना इंसान होगा, इसलिए मास्क पहना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। यानी वो कोई स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं, बल्कि खुद को हीरो समझने वाला कोई बौना अंकल है। बिल्कुल, लगता है हमारी खूब जमेगी। तुम लोग मेरे घर चलो, हम खूब मजे करेंगे। हेलो बच्चों, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक्स आंटी। अरे गालियो, तुमने दीवार पर इतनी सारी कटिंग्स क्यों चिपका रखी है? तुम्हें कटिंग्स इतनी पसंद है? ये कटिंग, ये तो सिर्फ परमानेंट आर्टिकल्स वाली है। उससे नफरत करते हो ना, फिर ये उसकी कटिंग्स क्यों लगाई है? ध्यान से देखो, सब उसके फेलियर वाली कटिंग्स है। ये सब पापा का काम है, जो मुझे भी ज्यादा परमान से नफरत करते हैं। अरे बेटे, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है, बताइए ना। अभी अभी मुझे पता चला है कि परमान नंबर 4 से एक परमान छूट कर भाग गए। अच्छा, सच कह रहे हो? जरा पूरी बात तो बताओ। जैसे ही उसे छींक आई, वो छूट कर भाग गया। वाओ, हिप हिप हुर्रे। क्या फैमिली है, एक से बढ़कर एक। बहुत दिनों बाद ऐसा पहला आया है, क्यों ना जश्न हो जाए। हाँ जरूर, कोई जरा हमें बताएगा कि ये सब क्या है? हाँ, जिन दिनों परमान फेल हो जाते हैं, उन दिनों हम अपने रेस्टोरेंट में आधे दाम कर देते हैं। तुम सब भी तो उसका दुश्मन हो ना? इसी खुशी में मैं तुम सब परमान पूरी, पाको बिरयानी, ये अजीब से नाम क्यों रखे हैं? सारे नाम परमान के ऊपर रखे गए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, पाको बिरयानी इसलिए क्योंकि वो भी तीखी और चटपटी है। लेकिन उसके नाम पर रखोगे तो वो और पॉपुलर हो जाएगी। जब लोग उसे चबा चबा के खाएंगे तो और भी मजा आएगा। ये भी सही है। तो पायन दम आलू क्या है? वो इसलिए क्योंकि पायन भी गोल मटोल है, एकदम आलू जैसा। और दम इसलिए क्योंकि उसमें जरा भी दम नहीं है। सही कहा? ये है मेरी नई डिश, टिक्का। अच्छा बच्चू, और परमान पूरी इसलिए क्योंकि पूरी की तरह मेरा भी दिमाग अंदर से खाली है। परमान का दिमाग खाली नहीं है। और क्या, मैं तुम सबसे मोटा हूँ, गोल मटोल हूँ, इसलिए पायन दम आलू। मुझे बिरयानी कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं अपनी मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो वो सोचते हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं। और वजह चाहे जो भी हो, हमें इसका विरोध करना चाहिए। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम सबको देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम सब हमारी आंखों में खटकते हो, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं, उन्होंने नमक फेंका। छी छी छी, आखिर ये कैसे लोग हैं? मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मेरा बस चले तो अच्छा सबक सिखाओ उन्हें। अच्छी,
यहाँ कर तो मेरा काम और बढ़ गया है। अरे परमैन, क्या हुआ, तुम्हें कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाकर उन सबको एक और चांस दूँ, शायद उनकी सोच इस बार बदल जाए। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें भूल जाओ, वो सिरफिरे लोग हैं, भूल जाओ उन्हें परमैन। हाँ, बहुत जिद्दी भी है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात सुनेंगे, कोई फायदा नहीं। मैं तो जरूर जाऊँगा, कोई मुझसे नफरत करे ये मुझे मंजूर नहीं, मैं कोशिश जरूर करूँगा क्योंकि हार के आगे ही जीत है। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। कितने ढीठ हो तुम, एक बार में समझ में नहीं आता क्या, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप एक बार कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। आज हमने दाम आधे रखे हैं इसलिए कस्टमर की भीड़ आती होगी, मैं बहुत बिजी हूँ। देखिए आप बिजी हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, बताइए क्या करना है। अब आना लाइन पे, जाओ जाकर प्लेट धोना शुरू कर दो पाको। पाको क्या क्या करना पड़ रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ? अरे दिखता नहीं, प्लेट अभी भी गंदी है। जी माफ कर दीजिए। पाको ये काम छोड़ और जाकर मेरे लिए तो अंडे ले। वैसे आप बनाने वाले क्या है? उससे बनेगा बर्डमैन ऑमलेट। ये क्या है, गलती से पावर का यूज कर लिया है। मुझे गलती हो गई, ये जो उससे नफरत है, दफा हो जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक काम तो तुम ठीक से कर नहीं सकते, फिर भी पता नहीं लोग तुम्हें पसंद क्यों कर लेते हैं। इस बेचारे का सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो चुका है, देखो ना कैसा गुमसुम हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस फैमिली के आसपास भी न जाए। कुछ भी कहो, मित्सुओ को ऐसी हालत में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लगता है हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वो हमारा दोस्त है। ये क्या इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि वहाँ सारी चीजें आधे दामों में मिल रही है। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर परमैन के लिए हमें ही झुकना पड़ेगा। आप समझ गए ना सर, प्लीज आप परमैन की फैन बन जाइए प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसका फैन बन जाऊंगा। अब ये सब क्या है? परमैन जरा देखो तो सही, तुम्हारी दुश्मन फैमिली भी तुम्हें चेयर करने आई है, देखो ना एक बार आओ ना। क्या कहा तुमने? वेल सर, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे और बाकी परमैन को पसंद करने लगे हैं, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ओ परमैन, अब रोना मत, हिम्मत से काम लो। हाँ जरूर जरूर मैम, आज के बाद मैं और भी मन लगा कर काम करूँगा, यकीन कीजिए। ये हुई ना बात बेटा, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। जी क्या कहा, क्या मतलब है आपका? देखो जब तुम उदास हो जाते हो तो शहर के लोग हमारा रेस्टोरेंट छोड़कर तुम्हें चीयर करने चले आते हैं और हमारे बिजनेस को नुकसान होता है, इसीलिए चाहे तो महीने में एक बार उदास हो जाना बेटा, पर रोज रोज मत। ये फैमिली तो वाकई सर फ्री है, इतना कुछ नहीं हो सकता।